भाई ये तो फर्स्ट फ्लोर में और भी दिल खुश कर दिया, हर जगह कलरिंग और यहाँ पर फॉल सीलिंग, पंखा, एसी भाई, वार्डरोब, आईना भाई, यहाँ पर एलसीडी टीवी, टी टेबल भाई, और क्या चाहिए भाई। रूम मुझे यार, अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे लिए यार ये बेस्ट रूम ही होगा। और आप कहाँ से आए हो? हावड़ा से आए हैं। तो इस होटल में ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी आते थे? फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रूम भी अच्छा है, रूम भी अच्छा है, अच्छा होटल नहीं मतलब सस्ते में, अच्छा दीघा में सस्ते में बहुत मस्त होटल मिला। आप लोग 30-40-50 आदमी आ सकते हैं। हे गाइस वेलकम बैक, मैं हूं अशीम और आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर व्लॉग चैनल। तो मैं हर हफ्ते में आप लोगों के लिए न्यू दीघा ओल्ड दीघा का होटल लेके आता हूं कुछ कम बजट में। तो आज भी मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नया होटल की तलाश में। तो होटल मिल चुका है, ओल्ड दीघा का जो रास्ता है ये ओल्ड दीघा का रास्ता है, इसी रास्ते से ओल्ड दीघा का मेन सी बीच है। सी बीच से आप सीधा ऑटो टोटो जो भी है गाड़ी पकड़ के आएंगे तो सामने ही होटल है। चलिए मैं होटल के अंदर चलता हूँ और होटल बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नया है, एकदम नया, चकाचक क्लीन है। तो पहले मैं होटल का आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद होटल रूम कितना है, क्या एसी है, क्या नॉन एसी है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो लेकिन पूरा वीडियोस नहीं देखते हो, तो पूरा वीडियोस को देखा करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो होटल का रेंज होता है, प्राइस होता है, वो आप लोग कॉल करने के बाद बढ़ जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ सीजन और ऑफ सीजन का कुछ ना कुछ बात रहता है, ऑफ सीजन का प्राइस अलग रहता है, सीजन का प्राइस अलग रहता है। और आप लोग जब भी किसी को कॉल कर रहे हो होटल वाले को, तो उसको बता देना भाई मैं वसीम भाई का वीडियो देख के आया हूँ, सुपर से ऊपर ब्लॉग का वीडियो देख के आया हूँ, तो उसमें आप लोगों को वही सेम प्राइस लिया जाएगा, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हो पहले। चलो फिर देखते हैं होटल कैसा है, पहले होटल का नजारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है ओल्ड दीघा का रास्ता, इसी रास्ते से आप लोग आओगे, सामने ही सी बीच है, एकदम सामने ही सी बीच है, सी बीच से सीधा आप लोग टोटो पकड़ के इसी रास्ते से आओगे। और ये है सामने होटल, मैं आप लोगों का होटल सामने से दिखा देता हूँ। ये देखो ये है होटल, होटल प्रिंसेस प्लाजा। तो ये है मेन होटल, पूरा एकदम पीछे तक बहुत बड़ा सा होटल है। ये देखो सामने मैं जा रहा हूँ, चलो होटल के अंदर चलते हैं। पहले आप सामने का नज़ारा देख लो होटल का, ये पूरा होटल है, पूरा नया कलर किया हुआ है। पहले हम जाएंगे रिसेप्शन पे, जाके बात करते हैं और होटल का क्या प्राइस है, कितना एसी है, कितना नॉन एसी है, और अनमैरिड कपल और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है सारा सब कुछ उनके साथ बात करते हैं। तो चलिए अंदर चलो, ये है होटल का रिसेप्शन, चलिए रिसेप्शन पे चलते हैं और बात करते हैं। हेलो सर जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर जी, आपका नाम? मेरा नाम है मिथुन पत्रा। सर जी आप होटल का ऑनर है? हाँ जी, आप होटल का ऑनर है। आपके होटल का नाम एक बार बता दीजिए, मैं व्यूअर्स को बता चुका हूँ फिर भी आप एक बार बता दीजिए। मेरा होटल का नाम है होटल प्रिंसेस प्लाजा। होटल प्रिंसेस प्लाजा, ये कहाँ पर है एक बार लोकेशन बता दीजिए। ओल्ड दीघा शिवालय रोड नियर वाटर टैंक। नियर वाटर टैंक, एकदम सी बीच के सामने ही है, टोटो पकड़ के भी नहीं आना पड़ेगा, पैदल आओगे, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट लगेगा। तो आप लोगों का होटल पे कितने एसी है और कितना नॉन एसी है? मेरा होटल पे 8 एसी है। अच्छा 8 एसी है और 9 नॉन एसी। 9 नॉन एसी है। अगर समझ लीजिए अनमैरिड कपल आते हैं तो उसमें अनमैरिड कपल का होटल है। चलिए कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। अच्छा 18+ तो मिनिमम वो हर होटल का नियम है। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, समझ लीजिए बहुत सारा फैमिली में है, पेट है, जैसे कुत्ता है या बिल्ली है, ये लोग सब लेके आते हैं कोई कोई, तो आप लोगों का होटल पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? और आप लोगों का होटल पे अगर समझ लीजिए रूम के अंदर रूम सर्विस है, सब कुछ है, आप लोगों का रेस्टोरेंट वगैरह है, सब कुछ है। चलिए ठीक है, पहले जाते हैं होटल का रूम देख लेते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो चलिए फिर होटल के अंदर रूम देख लेते हैं। ये है पूरा रिसेप्शन, और एक चीज आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा भी है, सिक्योरिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हर जगह पे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। ये है यहाँ पर टीवी और कैमरा, बाकी हर जगह लगा हुआ है। तो चलिए रूम देख भाई, हमेशा इस होटल पे हमेशा भीड़ रहता है भाई। होटल का कस्टमर से एक बार बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम शुभ्रत है। शुभ्रत है जी, आप इस होटल में कितने दिन से आते हैं? पहली बार आया। पहली बार आया तो आप लोगों का यहाँ का सर्विस कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना, रूम वगैरह सब अच्छा है ना। हाँ। चलिए थैंक यू। होटल का डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं। सर जी आपको कैसा लगा होटल का? अच्छा लगा। रूम कैसा है? अच्छा। बहुत बढ़िया। चलिए रूम अच्छा लगा, सर्विस भी अच्छा है ना। तो भाई ये है होटल का ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पर देख ही सकते हैं वाटर भी लगा हुआ है 24 आवर, आप लोगों को वाटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज आप लोग देख ही सकते हैं दोनों साइड में यहाँ पर कितना अच्छा डिजाइनिंग में मार्बल वगैरह किया हुआ है, नीचे फ्लोर भी देख सकते हैं, बहुत ही मस्त नजारा लगा। जो आपका ग्राउंड फ्लोर में भी इतना अच्छा फॉल सीलिंग किया हुआ है और इतना अच्छा लाइटिंग वगैरह। रूम की तरफ चलते हैं, ये राइट साइड में जो रूम है, ये रूम नंबर कितना है? 103। तो भाई चलो यहां से चलते हैं हम लोग रूम के अंदर। ये है रूम,
पूरा एकदम नया कलर किया हुआ है, जो हमेशा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ नया होटल कम बजट में। और पूरा होटल रूम के अंदर देख ही सकते हैं, मार्बल वगैरह किया हुआ है व्हाइट कलर का। यहाँ पर LCD लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, और यहाँ पर एक खिड़की भी दिया हुआ है बहुत बड़ा सा, ये देख लो, जो बाहर का नजारा दिखने में आप लोगों को आसान हो जाएगा। और ये है बेड, बेड आप लोग देख ही सकते हैं कितना बड़ा सा बेड दिया हुआ है, कंबल दिया हुआ है, और यहाँ पर टी टेबल चेयर, और यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है जिसमें मैं दिख रहा हूँ। इसका मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल कर लो भाई लोग। मैं आप लोगों के लिए रोजाना हमेशा लाता हूँ हफ्ते में 3-4 वीडियो न्यू दीघा ओल्ड दीघा में। और ये जो आप लोगों को मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ये ओल्ड दीघा का होटल है, और होटल रूम का मेन चीज होता है वॉशरूम, तो मैं वॉशरूम के अंदर चलता हूँ। ये है वॉशरूम, एक शीशा, और यहाँ पर बेसिन कमोड सब कुछ दिया हुआ है, बाल्टी वगैरह मग सब कुछ दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है होटल के अंदर ये जो रूम मिल रहा है इसमें आपको किचन भी अटैच मिल रहा है, ये देख ही सकते हैं। मैं आपको दूर से थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखो ये है रूम, और रूम का है ये वॉशरूम, वॉशरूम के बगल में ही आपको किचन मिल जा रहा है, जो बर्तन वगैरह आपको सब यहाँ पर रेंट पे मिल ही जाएगा। तो रूम कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। ये देख लो ये है किचन, और ये है पूरा, मैं एक कोने से आप लोगों को रूम को दिखा रहा हूँ, बहुत ही मस्त रूम दिख रहा है मुझे। चलिए फिर नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद हम लोग सीढ़ी से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। चलिए फिर चलते हैं, ये पूरा सीढ़ी में पूरा एकदम मार्बल वगैरह लगा हुआ, ये तो फर्स्ट फ्लोर में और भी दिल खुश कर दिया हर जगह भाई। चलिए चलते हैं, यहाँ पर एक कस्टमर है, चलिए इनके साथ एक बार बात कर लेते हैं। सर जी आपका नाम? हाय, टोटन मल्लिक। टोटन मल्लिक सर जी, आप कहाँ से आए हो? हावड़ा। हावड़ा से आए हैं, तो इस होटल में ये फर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी आते थे? फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रूम भी अच्छा है, रूम भी अच्छा है, अच्छा होटल नहीं, मतलब सस्ते में, अच्छा दीघा में सस्ते में बहुत मस्त होटल मिला। आप लोग 30-40-50 आदमी आ सकते हैं, खाना वगैरह सब बना सकते हैं। हाँ, वो तो रूम देखी जो किचन वगैरह है, अच्छा बढ़िया बंदोबस्त है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो बस यही सही है जो आप लोगों को अच्छा लगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ, बाकी कस्टमर का आप लोगों के सामने ही हमने रिव्यू ले लिया। और ये है नेक्स्ट रूम फर्स्ट फ्लोर में, जो ग्राउंड फ्लोर मैंने आप लोगों को दिखा दिया, फिर देखिए इतना बड़ा सा, हर जगह पे आपको फॉल सीलिंग लाइटिंग हमेशा दिखाई देगा, और CCTV कैमरा तो है ही। तो चलिए फिर रूम के अंदर, ये फर्स्ट फ्लोर का रूम है। वाह भाई वाह, ये तो और भी मस्त नजारा है। चलो फिर पहले रूम के अंदर चलते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं फ्लोर में मार्बल, और यहाँ पर कलरिंग, और यहाँ पर फॉल सीलिंग, पंखा, AC भाई, वार्डरोब, आईना भाई, यहाँ पर LCD TV, टी टेबल भाई, और क्या चाहिए भाई। रूम मुझे यार, अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे लिए यार ये बेस्ट रूम ही होगा। और यहाँ देख ही सकते हो कितना बड़ा खिड़की है, और ये खिड़की खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक गेट मिलेगा, ये है बैल्कनी। चलो भाई बैल्कनी के अंदर चलते हैं, जो सभी को बैल्कनी लगता ही है कपड़ा सुखाने के लिए और बाकी शाम का टाइम पे मस्ती करने के लिए, और ये बैल्कनी से आप पूरा बाहर का नजारा ले सकते हो। और मैं आप लोगों को फिर से रूम के अंदर आके दिखा रहा हूँ, पूरा एक कोने से मैं आपको पूरा रूम दिखा रहा हूँ, ये देख लो रूम एक बार देख लो, आप लोग खुश हो जाओगे, एक बार आके देखो फिर मालूम पड़ेगा कितना अच्छा रूम है। ये देख लो रूम भाई, AC भी लगा हुआ है, आपको जो मैंने पहले ग्राउंड फ्लोर में दिखाया था वो नॉन AC था, और ये AC रूम है, ऊपर फॉल सीलिंग, वार्डरोब वगैरह, यहाँ पर पलंग देख लो कितना बड़ा पलंग है, 4 लोग तो आराम से सो ही पाओगे। तो देख लो रूम कैसा है भाई, रूम देखने के बाद कमेंट जरूर करना भाई। और भाई सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ वीडियो पूरा देखते रहे, वीडियो के अंदर कभी भी होटल का फोन नंबर आप लोगों को मिल जाएगा तो कॉन्टेक्ट कर लेना। चलिए ये फर्स्ट फ्लोर का आप लोगों को रूम, फर्स्ट फ्लोर में जो रूम है ये 203, ये आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, और इससे पहले जो मैंने दिखाया वो ग्राउंड फ्लोर। ये है रूम, हर जगह से रूम बना हुआ है, आप लोग आओगे 20 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, जितना भी आओगे खाना बना के खाओगे, या फिर होटल पे बनाओगे, या कुछ भी करोगे, बहुत ही मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है बाहर का नजारा, ये है जो सीढ़ी है, और इसके ऊपर भी रूम है, और मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बाकी ये 2 रूम आप लोगों को मैंने दिखा दिया। और सीढ़ी से आने के बाद ये लेफ्ट साइड में आप लोगों को फिर यहाँ पर रूम मिल जाएगा, इतने सारे रूम है। तो चलो भाई रिसेप्शन पे चलते हैं और ऑनर के साथ बात करते हैं। तो 2 रूम हमने आपको दिखाया, कितना क्या प्राइस है, बाकी सभी बात। बाहर जो है इतने सारे जगह है, आप लोग अगर कोई भी ट्रैवलर लेके आते हो, प्राइवेट गाड़ी लेके आते हो, तो गाड़ी रखने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना बना के भी खा सकते हो या बाहर से भी मंगा के खा सकते हो। मेरे ख्याल से अगर खाना बना के खाओगे तो होटल में सब कुछ फैसिलिटी है, आपको बर्तन वगैरह रेंट में मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं एक बार रिसेप्शन पे, सर के साथ बात कर लेते हैं।
फिर आप लोगों को बोलते हैं कितना क्या प्राइस है। जो भी होटल का चेक इन एंड चेक आउट टाइमिंग है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख लो, और यहाँ पर फोन नंबर भी दिया हुआ है, देख लो। बाकी मैं फोन नंबर वीडियो पे दिखा दूंगा आप लोगों को, आप लोग कॉल कर लेना। तो चलिए सर के साथ अभी बात कर लेते हैं। सर जी, ये आपका तीन रूम हमने देखा, तो तीनों रूम का पहला रूम जो आपने ग्राउंड फ्लोर में दिखाया, उसमें कितने लोग रह सकते हैं? ग्राउंड फ्लोर में तीन आदमी रह सकते हैं। तीन आदमी रह सकते हैं, तो तीनों लोगों के लिए क्या प्राइस है उस रूम का? उसमें 400 से स्टार्ट होता है। 400 से स्टार्टिंग प्राइस, ये ऑफ सीजन के लिए है, और सीजन में कुछ ना कुछ बढ़ेगा वो कॉल करके पूछना पड़ेगा। और जो फर्स्ट फ्लोर में आपने जो रूम दिखाया एसी रूम, उसका कितना प्राइस है ऑफ सीजन में? ऑफ सीजन में वो एसी रूम का प्राइस है 800 रूपया। बहुत बढ़िया। हाँ, और एसी को नॉन एसी करना है 500-600 में हो जाएगा। अच्छा, जो एसी वाला रूम हमने आप लोगों को दिखाया उसी को अगर नॉन एसी में कन्वर्ट करेंगे, सेम लेंगे, खाली एसी नहीं लेंगे, तो 500-600 के अंदर उतना अच्छा रूम मुझे तो लगता है कहीं नहीं मिलेगा। तो इतना अच्छा डेकोरेशन बना हुआ है रूम के अंदर, लाइटिंग वगैरह। अच्छा, ये हो गया। और एक चीज, जो आपने 8-9 लोगों का जो रूम दिखाया उसका एसी है? वो भी एसी है। वो एसी का वो तो एसी नॉन एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन एसी में 1000। ओके, 8 लोगों के लिए एसी में 1500 रूपया और नॉन एसी में 1000 रूपया। तो 1500-1000 भाई, सही से आप लोग सुन लो, फिर बाद में मुझे कॉमेंट मत करना मुझे फोन करने के बाद ये रेट बोला। कभी भी आप लोग कॉल करते हो भाई साहब को तो एक बार बता देना, जो भाई मेरे चैनल का वीडियो देख के आए हो, तो ऑफ सीजन में वही रेट मिलेगा। सीजन पे आप लोग कंफर्म कर लेना कितना रेट चल रहा है। और सर जी, आपने बोला यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के लिए कुछ है? पूरा होटल में म्यूजिक बजता है। अच्छा, पूरा होटल पे भाई यहाँ पर म्यूजिक बजता है, और क्या चाहिए? मतलब यहाँ पर पूरा डीजे, फ्री वाईफाई भी है भाई, फ्री वाईफाई। वाईफाई लगाए तो इधर से। ओके, फ्री वाईफाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है फ्री वाईफाई। कितना भी आप लोग यूज करो कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात है भाई, आप लोग अगर ग्रुप में आते हो डांस करने के लिए, कोई कुछ लेके आने की जरूरत नहीं है, पूरा होटल पे गाना बजेगा, मस्त डीजे बजाओ। तो चलिए फिर चलते हैं, आप लोग कॉल कर लो। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे फोन नंबर दिया हुआ रहेगा, आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मिठुन पात्रो। मिठुन पात्रो जी को फोन कर लीजिएगा, और जब भी कॉल कीजिएगा मेरा नाम लीजिएगा, सुपर से ऊपर व्लॉग का चैनल देख के आया हूँ, या तो फिर वाशिम भाई का वीडियो देख के आया हूँ, तो आप लोगों को उसी रेंज में मिल जाएगा ऑफ सीजन में। और सीजन पे हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ेगा, ये कन्फर्म नहीं है अभी भी, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट होटल की तरफ चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन। तो मैंने दिखाया होटल का रास्ता भी मैंने दिखाया, सारा सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैंने होटल का जो कस्टमर था इन लोगों से रिव्यू भी लिया, रिव्यू लेने के बाद फिर मैं होटल आप लोगों को दिखाया, तो कस्टमर तो बहुत खुश है, जो इन लोगों का सर्विस है, होटल का रूम है, और जो भी डेकोरेशन है। तो भाई एक बार आके देखो, फिर बताना मुझे होटल कैसा है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा कम बजट में अच्छा होटल ढूंढता हूं, और सर्विस भी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए टाटा बाय बाय, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल कर लो। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फोन नंबर मिल जाएगा, कॉल कर लेना। टाटा बाय।